जब बीमारी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बीमारी का खर्च हमारी मुश्किलों को और भी बढ़ा देता है। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य से संबंधित वित्तीय परेशानियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को मुफ्त में उपचार प्राप्त हो सकेगा। हिमकेयर, हिमाचल हेल्थ केयर योजना, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल हिमाचल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हिमाचल सरकार की अनूठी पहल के अंतर्गत हिमकेयर योजना की जानकारी दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रदेश के उन परिवारों को भी निशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है जो आयुष्मान भारत की चिकित्सा योजना में शामिल नहीं है। प्रदेशवासियों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च तक अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योजना के अंतर्गत एक परिवार के 5 सदस्यों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। यदि परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य हैं, तो इन परिवारों के 2 कार्ड बनाए जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना में 1579 उपचार प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं, जिसमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। यह योजना चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसलिए इसके लाभार्थी केवल हिमाचल प्रदेश के लोग ही होंगे। इस योजना में जिस परिवार को शामिल किया जाएगा, उसमें अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए। यदि परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यों को 5 सदस्यों के ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये योजना आयुष्मान भारत योजना से काफी हद तक समान है, इसलिए प्रदेश के वे लोग जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस योजना में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस दौरान आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी का प्रमाण आदि हैं। इसलिए इस योजना में रजिस्टर्ड करते समय आप अपने साथ इन सभी दस्तावेजों को रखें। इस योजना का लाभ विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाना है, ताकि उन्हें उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई परेशानी ना हो। इस योजना में लाभार्थियों को लाभ उठाने के लिए हिम केयर कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए प्रीमियम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी अनुसार प्रीमियम तालिका इस प्रकार है। निशुल्क के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारक, पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वाले मनरेगा कार्यकर्ता जिसने पिछले या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिन कार्य किया है, 365 रुपए प्रति वर्ष के अंतर्गत एकल नारी, 40% से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, मिड डे मील वर्कर, अंशकालिक कार्यकर्ता या दिहाड़ीदार, आशा वर्कर, अनुबंध कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, 1000 रुपए प्रतिवर्ष के अंतर्गत अन्य व्यक्ति जो नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है। इस प्रीमियम स्लैब से ये सुनिश्चित हुआ कि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क या कम प्रीमियम पर योजना का लाभ मिल सके। लाभार्थी 31 मार्च तक स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल www.hpsbys.in पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवा कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन स्वयं किया जा सकता है अथवा लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। जब बैंक से नामांकन की मंजूरी हो जाएगी, उसके बाद लाभार्थियों को अपने नामांकन का SMS प्राप्त होगा, फिर वो ई कार्ड को डाउनलोड या जेनरेट करने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इस योजना को ई कार्ड के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के तहत नामांकन करने एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर लाभार्थियों से प्रति परिवार 50 रुपए लेंगे। इसके बाद अप्रूवल मैसेज आएगा और फिर लाभार्थी अपने लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से प्रिंट किया हुआ ई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हिम केयर कार्ड को हर साल रिन्यूअल करना होता है।
जब ये पॉलिसी की अवधि समाप्त होने लगेगी तो उसके पहले पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। नामांकन या रिन्यूअल जनवरी से मार्च तक है। इसके अतिरिक्त रिन्यूअल पॉलिसी अवधि के आधार पर जारी रहता है। लाभार्थी को रिन्यूअल का मैसेज पॉलिसी अवधि समाप्त होने से एक महीने पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले और अंतिम दिन आता है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 200 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें 64 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। लाभार्थी PGI चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ सेक्टर 32 के मेडिकल कॉलेज में भी हिम केयर के अंतर्गत निशुल्क इलाज करा सकते हैं। इस योजना में 1579 उपचार प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं, जिसमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल हैं। कैंसर, लकवा, मांसपेशियों की शिथिलता, हृदय संबंधी रोग, अल्जाइमर और कई अन्य गंभीर बीमारियां भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। हिम केयर योजना के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल www.hpsbys.in पर जाकर लिया जा सकता है। यहां दिखाए गए उचित बटन पर क्लिक करके भी इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। नामांकन की स्थिति चेक करें, हिम केयर कार्ड डाउनलोड करें, हिम केयर कार्ड रिन्यूअल के लिए आवेदन करें, हिम केयर हेल्थ कार्ड अस्पतालों की सूची, हिम केयर कार्ड बैलेंस चेक करें। सभी प्रदेशवासी हिम केयर योजना का लाभ अवश्य उठाएं एवं इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। बीमारी से क्यों घबराना, जब साथ हो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। धन्यवाद।